गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आवर सिलेबस ब्रेकअप सिलेबस एंड वी हैव स्टार्टेड चैप्टर फर्स्ट एंड इन लास्ट क्लास वी हैव लर्नड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस. सो इन टूडेज क्लास वी आर कंटिन्यूइंग आवर टॉपिक इंडिजेनियस बैंकिंग सिस्टम. हम बात कर रहे हैं हमारे पुराने टाइम में जो बैंकिंग सिस्टम की थी, हम ये टॉपिक फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं. देखो एक्चुअल में क्या है कि बहुत पहले टाइम में बार्टर सिस्टम चला करता था और इस बार्टर सिस्टम में हम गुड्स एक्सचेंज सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ गुड्स के बदले गुड्स आया जाया करते थे. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि गुड्स एक्सचेंज सिस्टम में आपको परचेज या सेल या अपने ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता था, क्योंकि जब तक दो लोगों की ज़रूरतें एक दूसरे से मैच नहीं होगी ट्रांजेक्शन कम्प्लीट नहीं होगा. जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक फार्मर है जो वीट का प्रोडक्शन करता है, अगर उसे राइस की नीड है तो उसे एक ऐसे फार्मर को ढूंढना होगा जो कि वीट के एक्सचेंज में उसे राइस दे दे. अगर किसी फार्मर को वीट की नीड होगी और उसके पास राइस होंगे तभी यह ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो पाएगा. तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक लाइफ की प्रोग्रेस हुई, हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, मेटल कॉइन्स बिकेम कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जो मेटल के कॉइन्स थे वो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए कॉमन मेजरमेंट की यूनिट बन गए. डॉक्यूमेंट्स सच एज हुंडीज एंड चिट्ठीज वर यूज फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट. अब कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो डॉक्यूमेंट है, लाइक आज अगर हम किसी से फंड्स बोरो करेंगे तो हमारे पास लोन एग्रीमेंट वगैरह तैयार किए जाते हैं, वैसे ही कि अगर पुराने टाइम में इंडिजेनियस बैंकिंग सिस्टम में अगर बोरोइंग्स वगैरह होती थी क्रेडिट पर, या हम लोग क्रेडिट पर गुड्स परचेज करते थे, उधारी में गुड्स खरीदते थे, तो डॉक्यूमेंट लिखे जाते थे जैसे कि हुंडी और चिट्ठी. अब हुंडी क्या है? हुंडी बिकेम वेरी पॉपुलर. उस टाइम में हुंडी जो थी वो बहुत पॉपुलर थी. हुंडी इन्वॉल्व्ड अ कॉन्ट्रैक्ट. हुंडी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कुछ कंडीशंस शामिल की जाएगी. द फर्स्ट वन इज वारंटी द पेमेंट ऑफ मनी. इट इंडिकेट एन अनकंडीशनल प्रॉमिस. अगर हम बात करें तो आप फ्यूचर डेट को पेमेंट करने की वारंटी देते थे. इट इंडिकेट एन अनकंडीशनल प्रॉमिस बिना किसी आर्ग्यूमेंट के. लाइक आपने लिख दिया कि आने वाली डेट को, लाइक आने वाली 10th ऑफ सेप्टेम्बर को हम आपको 10,000 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे, दैट्स इट. आपने अपने सिग्नेचर किए दोनों पार्टीज ने, तो हमने इस डॉक्यूमेंट को कहा हुंडी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुंडीज एज यूज बाय इंडियन मर्चेंट वर. अब हुंडीज जो थी वो अलग अलग तरह की हुआ करती थी, तो उसमें से हर हुंडी का अपना अपना एक टाइप है, तो हम उसे डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज धनी जोग हुंडी. धनी जोग जो हुंडी है इसके बारे में बताया कि इस तरह की हुंडी कब काम में ली जाएगी. लाइक फंक्शंस के बेसिस पर हमने इन्हें क्लासिफाई कर दिया है इन हुंडीज को. द फर्स्ट वन इज धनी जोग. पेबल टू एनी पर्सन. इफ इट इज पेबल टू एनी पर्सन नो लाइबिलिटी हु रिसीव्ड पेमेंट. इसका मतलब है कि आपको पेमेंट करना है किसी भी पर्सन को जिसके पास ये होगी, लेकिन उसके ऊपर जो पेमेंट रिसीव करेगा उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी. ठीक है, मतलब बिना किसी कंडीशन के आप जो शो करेगा उसे पेमेंट कर दीजिए. नेक्स्ट आता है सहजोग हुंडी. पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन ओनली लाइबिलिटी ओवर हो रिसीव्ड पेमेंट. कि सिंपल सी बात है, जिसका नाम लिखा हुआ होगा आप पेमेंट उसी को करोगे और उसके ऊपर जिसने पेमेंट रिसीव किया उसके ऊपर लाइबिलिटी भी होगी उसे वापस पे करने की. फरमान जोग हुंडी. हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर. कि जब आपको ऑर्डर दिया जाएगा, जब आपके नाम का फरमान जारी किया जाएगा तब आपको पेमेंट करना होगा, वो होंगे फरमान जोग हुंडी. नेक्स्ट आता है देखान. देखान हर हुंडी. पेबल टू द प्रेजेंटर और बियरर. कि जो आपके सामने ये हुंडी प्रेजेंट कर देगा, आपके सामने पेश कर देगा, लेकर आ जाएगा, उसको आपको पेमेंट करना होगा, तो वो होगी हमारी देखान हर हुंडी. नेक्स्ट आता है धनी जोग हुंडी. पेबल ओवर अ फिक्स पीरियड टू एनी पर्सन नो लाइबिलिटी ऑन पर्सन हु रिसीव इट. अब देखो ध्यान से समझना, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है.
कि भैया यहाँ पर दो तरह की होती है, दर्शनी और मुद्दती। जब भी दिखा दी जाएगी तब पेमेंट करना पड़ेगा, वो तो होती है दर्शनी। और जब आपका एक टाइम पीरियड होगा लाइक 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको पेमेंट करना है तो वो होगी मुद्दती, या एक जो टाइम पीरियड वाली होती है उसे कहते हैं मुद्दती हुंडी। तो जब आपका एक फिक्स टाइम पीरियड बाद आप किसी भी पर्सन को जिसके पास होगी उसे पेमेंट करेंगे और जिसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, वो होगी हमारी धनी जोग हुंडी, वही फरमन जोग जो हमने पढ़ा ऊपर, लेकिन ये मुद्दती में भी आ जाता है। हुंडी पेएबल ऑन ऑर्डर फॉलोइंग अ फिक्स टर्म, जब आपको ऑर्डर दिया जाए तब पे करेंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। एंड द लास्ट इज जोखिमी हुंडी, ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच्ड गुड्स, इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट द होल्डर बियर द कॉस्ट एंड ड्रॉई कैरीज नो लाइबिलिटी। कि आज भी जब हम गुड्स बेचते हैं तो रास्ते में गुड्स चोरी होने के, आग लगने के, डिस्ट्रॉय होने के जो रिस्क है वो बियर करनी पड़ती है, तो ये उसी जोखिम या जो रिस्क है उसके ऊपर लिखी जाती थी। अगर गुड्स लास्ट रास्ते में खो जाते हैं तो जो द होल्डर बियर द कॉस्ट, जिसके पास वो हुंडी है वो उसकी कॉस्ट बियर करेगा, और जिसने वो हुंडी लिखी है उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना इसमें फोर्थ पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजेनियस बैंकिंग सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ इंडिजेनियस बैंकिंग सिस्टम, दिस प्लेड अ स्पेसिफिक रोल। पीपल बिगेन टू डिपॉजिट प्रीशियस मेटल्स विथ लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस एक्टिंग एज अ बैंकर और सेट्स। सो इन इंडिजेनियस बैंकिंग सिस्टम पीपल स्टार्टेड डिपॉजिट देयर सेविंग्स टू द सीड्स। दीज बैंकर्स एंड सीड्स बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग मनी फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। सो एज दे रिसीव द सेविंग फ्रॉम द पब्लिक दे आर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी टू द पब्लिक विच हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। इंडिजेनियस बैंक्स plays a specific role in lending money and financing domestic trade. They also help producers in supplying the goods, for producing the goods, which helps in improvement in domestic trade. The next is agriculture and domestication of animals also helps to generate surplus and savings for investment. So जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, हमारे एग्रीकल्चर और जो एनिमल्स थे उनका डोमेस्टिकेशन से हम आगे बढ़े, तो इससे हमारे पास एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हुआ, जिससे कि हम जो सेविंग्स होगी, लाइक हमारे पास 100 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, 200 हो गए, तो जो एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट है वो एज ए इन्वेस्टमेंट हम लोग काम में लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस पीपल ऑफ इंडिया वर एबल टू रेस 2 or 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ साल में 2 या 3 बार फसल उगाई जाती है, तो इसका फ़ायदा भी यहाँ के लोगों को मिलना स्टार्ट हुआ। इन एडिशन टू एग्रीकल्चर बाय रिसोर्टिंग टू वेविंग डाइंग फैब्रिक, मेकिंग क्ले पॉट्स, स्कल्पटिंग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, मंसौरनी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट्स, कार्ड्स, बोट्स, दे वर एबल टू जनरेट सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट। देखो सिंपल सी बात है, ट्रेड बढ़ेगा, लाइक हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ रहा है रॉ मटेरियल का, तो वो हमारे ट्रेड के बढ़ाने के काम में भी हेल्प करेगा। तो जैसे जैसे ये बढ़े हमारे ये बिजनेस भी स्टार्ट हो गए। डेवलपमेंट ऑफ कारखानाज और वर्कशॉप आप लोग जानते हैं, जैसे बाइक वर्कशॉप होती है, ठीक है। हियर स्किल्ड आर्टिशंस वर्कड एंड कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इंटू फिनिश गुड्स। यहाँ कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनके पास स्पेसिफिक नॉलेज या स्किल्स होती है, सो इससे ये फिनिश गुड्स बनाने का काम करते हैं। फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप सिस्टम वॉज प्रैक्टिस, और जो फैमिली में ये बिजनेस जो चलता हुआ आ रहा है इसकी प्रैक्टिस ये लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सो दैट देयर आर्ट एंड स्किल कुड बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। लाइक इनहेरिटेंस, जो भी पहले ज़माने में ऐसे इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ नहीं हुआ करते थे इतने, तो जो फैमिली का बिजनेस होता था वहीं से उन्हें ट्रेनिंग वगैरह मिलती थी और वहीं से वो लोग बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते जाते थे। नेक्स्ट आता है राइज ऑफ इंटरमीडियरीज़। राइज ऑफ इंटरमीडियरीज़ की अगर हम बात करें
तो इंटरमीडियरीज आर द मीडिएटर्स जो हमारे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने में हमारे मीडिएटर्स होते हैं, ब्रोकर्स जो होते हैं, ठीक है, इसी हमेशा ब्रोकर्स नहीं होंगे, जो भी बायर और सेलर के बीच में होंगे उसे हम इंटरमीडियरीज कहेंगे. इंटरमीडियरीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ ट्रेड. इंटरमीडियरीज जो थी वो ट्रेड के प्रमोशन में बहुत हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसमें कौन कौन शामिल किया जाएगा? कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर होलसेलर्स एंड रिटेल ट्रेड. अगर हम बात करें तो जो हमारे गुड्स को सेल करने में हेल्प करेंगे, बदले में कमीशन चार्ज करेंगे, कमीशन एजेंट्स या ब्रोकर्स होंगे. इसके अलावा होलसेलर्स जो बल्क में गुड्स परचेस करते हैं, और रिटेलर्स जो कि स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स कस्टमर को अवेलेबल करवाने का काम करते हैं, वो होते हैं हमारे रिटेल ट्रेडर्स. दे हेल्प इन एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड बॉट इन ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर बुलियन इन टू एशिया एंड लार्ज शेयर वॉज इन इंडिया. अगर हम बात करें तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा तो हमारा शेयर भी बढ़ता चला गया. द इंस्टीट्यूशंस ऑफ जगत सेठ ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मुगल पीरियड एंड डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. बैंकर्स बिगन टू एक्ट एज एग्जीक्यूटर्स एंड ट्रस्टी. दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन ट्रेड. अगर हम बात करें तो जो सेठ वगैरह सेठ साहूकार थे, उन्होंने भी इस टाइम में हमारे यहाँ का रोल प्ले किया, लोगों को फंड्स वगैरह अवेलेबल करवाने का काम किया मुगल पीरियड और ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में, ठीक है. वो एग्जीक्यूटर्स का ट्रस्टी का काम करते थे, जो कि आपको हाई इंटरेस्ट रेट, लेकिन फॉरेन ट्रेड पर यहाँ पर हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था. दैट मीन्स अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको हाई रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा. द इमरजेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एनहेंस कमर्शियल एक्टिविटीज़. अगर हम बात करें तो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस मतलब क्रेडिट के फैसिलिटी अवेलेबल होने के कारण, लोन की फैसिलिटी अवेलेबल होने के कारण कमर्शियल एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो गई. इंडिया एंजॉयड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड वेयर एक्सपोर्ट एक्सीड द इम्पोर्ट. इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, जिसको हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया. इंडिजेनियस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स विद एडिशनल कैपिटल फंड्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. अगर हम बात करें तो इस सिस्टम का फ़ायदा मैन्युफैक्चरर्स को मिला, ट्रेडर्स को मिला, मर्चेंट्स को मिला. क्यों? क्योंकि उन्हें एडिशनल कैपिटल, कैपिटल मीन्स वो फंड जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाना पड़ता है, वो हमें मिलना स्टार्ट हो गया. लेटर ऑन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन टू ट्रेडर. अगर हम बात करें तो इसके अलावा इन्हें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स भी ट्रेडर को अवेलेबल करवाना स्टार्ट कर दिया. द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट. अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की, तो पुराने टाइम में जो सिस्टम था मोस्टली लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता था. लैंड ट्रांसपोर्ट रोड्स हैड अज्यूम्ड अ की रोल इन एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ के लिए जो था वो रोड ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट माना जाता था. द नॉर्दर्न रोडवेज रूट हैज स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल टू तक्षशिला. कि जो हमारा नॉर्दर्न रोडवेज का रूट था वो बंगाल से लेकर तक्षशिला तक फैला हुआ था. देयर वर ऑल्सो सम ट्रेड रूट्स इन साउथ स्प्रेडिंग ईस्ट एंड वेस्ट. इसके अलावा साउथ से अपने वेस्ट तक जाने के लिए भी बहुत सारे रूट्स बनाए गए थे. ट्रेड रूट्स वर वाइड एंड सूटेबल फॉर स्पीड एंड सेफ्टी. इसमें आप टाइम पर पहुंच सके, इसके लिए आपके लिए अच्छे रास्ते बनाए गए थे, साथ के साथ में सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता था. जिस भी स्टेट से जाते थे वहाँ की किंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी, बदले में वो एक टैक्स चार्ज करता था सेफ्टी के अगेंस्ट में. नेक्स्ट इज वाटर वेज ट्रांसपोर्ट. मैरिटाइम ट्रेड वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट वे ऑफ ग्लोबल ट्रेड. मालाबार कोस्ट ऑन विच मुजरिस इज सिचुएटेड हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. हमारे यहाँ का जो मैरिटाइम ट्रेड की बात करें, वहाँ से जहाँ से हम ग्लोबल ट्रेड करते थे, तो मालाबार कोस्ट के थ्रू ही हम लोग हमारा इंटरनेशनल ट्रेड करते थे. पेपर नोन एज ब्लैक गोल्ड वॉज ट्रेड एट दिस रूट. अगर हम बात करें जिसे हम काली मिर्च कहते हैं, ठीक है, उसका जिसे हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेड की जाती थी. इट वॉज इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव रूट टू इंडिया फॉर स्पाइसेज द लीड टू डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलम्बस. इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोलम्बस ने भी इसी रूट के थ्रू इंडिया को, अमेरिका को फाइंड आउट किया था. कोलम्बस का जो अमेरिका था
Calicut coast was so popular that it was even visited by Chinese ship to acquire essential items. अगर हम कालीकट कोस्ट की बात करें जो कि पॉपुलर था, तो वहाँ पर चाइनीज शिप्स आए थे ताकि यहाँ पर एसेंशियल आइटम्स ले सके फ्रॉम मिडिल ईस्ट एज वेल एज पेपर, डायमंड, पर्ल्स एंड कॉटन फ्रॉम इंडिया, अगर हम इन बेसिक चीज़ों की बात करें तो. आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू. कोई डाउट हो आप लोग क्लियर कर सकते हैं.